आ जाओ मेरे पढ़ाकू बेटा। आज मैं रोटेशन वाला चैप्टर चल रहा है टॉर्क की सीरीज में, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन में जब कोई चीज घूमते हुए आगे बढ़ती है तो क्या क्या होता है, उसी के बारे में बात करेंगे, उसके डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूले वगैरह। बेटा आप टॉर्क वगैरह के रिवाइज कर लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा मेरे बेटा कौन कौन से फॉर्मूले आपके रोटेशन के लगेंगे और कौन कौन से लीनियर मोशन के लगेंगे। एक बार फॉर्मूले के लिए लिख दूं, पहला टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा आई अल्फा। ये कैसे आया, यदि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीरीज का पार्ट वन देखा है तो उसमें मैंने बताया था मास की जगह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में जो रोल मास का है, रोटेशनल मोशन में वो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और लीनियर मोशन में जो रोल एक्सेलरेशन का है, रोटेशन में वो एंगुलर एक्सेलरेशन का है। पार्ट वन में मिल जाएगा लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि आप टच में आ जाओ। लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स का है, रोटेशनल मोशन में वो टॉर्क का है। तो जैसे लीनियर मोशन में फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम बी, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह का फॉर्मूला है जो रोटेशन में काम आता है। तो जब भी रोटेशनल मोशन होगा टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा आई अल्फा, सिर्फ रोटेशन में। दूसरा फॉर्मूला बेटा वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रोटेशन का फॉर्मूला है, जहां वी है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है रोटेशनल वेलोसिटी। और तीसरा थ्री ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनके बारे में डिटेल में जानना है तो रोटेशनल मोशन की मेरी सीरीज शुरू से देखते हुए आइए, नहीं तो फिलहाल याद कर लीजिए। ये तो है रोटेशनल के फॉर्मूले। लीनियर मोशन के फॉर्मूले हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक बेटा। और एक बात और, यदि कोई बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूमने के लिए तैयार है, सेंटर के अबाउट घूमने के लिए तैयार है, मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो वो घूमेगी, क्योंकि टॉर्क बनता है फोर्स इंटू आर। आर क्या है, जिसके अबाउट घूमेगी वहां से फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्योंकि दी गई फिगर में मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो वो डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला है एफ इंटू आर, तो एफ इंटू आर का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से डाली जाती है, जिस पॉइंट के चारों तरफ बॉडी घूमती है। तो यूजुअली व्हील अपने सेंटर के चारों तरफ घूमता है, तो सेंटर से फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। चलिए अब एक बात सुन, यदि ये फोर्स मैं यहां लगा दूं तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि बेटा पॉइंट जिसके चारों तरफ घूमेगी यानी सेंटर से फोर्स तक की डिस्टेंस कम हो जाएगी। और यदि मैं फोर्स को सेंटर पे लगाऊंगा तो फिर तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, सेंटर भी यही फोर्स भी यही, तो सेंटर और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई तो टॉर्क जीरो हो गया। तो याद रखना मेरे बेटा, जो फोर्स सेंटर पे लगते हैं, सेंटर पर यानी एक्सिस पर लगते हैं, वो घुमा नहीं पाते। एक बात बताए, एक साइकिल खड़ी है, साइकिल के टायर में मैंने टायर के ऊपर वाले हिस्से में हाथ मार दिया, टायर घूम गया। अब यदि मैं टायर के सेंटर पर हाथ मार दूं, फोर्स लगा दूं, तो टायर थोड़ी घूमेगा, क्योंकि टॉर्क नहीं पैदा हुआ। अब मेरे बेटा मैं आपको सिखाऊंगा प्योर रोलिंग क्या है, प्योर रोलिंग क्या है और उसमें फ्रिक्शन कैसे निकाला जाता है। देखो बेटा, तीन तरह के मोशन आप कह सकते हो, प्योर ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा मोशन कह सकते हो प्योर रोटेशन या रोटेटरी मोशन, और तीसरा मोशन कह सकते हो आप प्योर रोलिंग या रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग रोलिंग मोशन, ठीक बेटा। ट्रांसलेशन क्या है, लीनियर मोशन जिसमें रोटेशन बिल्कुल भी ना हो। मान लो मैं एक साइकिल में ब्रेक लगा दूं और टायर को घसीटते हुए लेके जाऊं, यदि ब्रेक लगा के टायर को सीधे घसीटते हुए लेके जा रहा हूं तो इसका हर पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, हर पॉइंट एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, मान लो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो मेरे बेटा यहां पर रोटेशन नहीं हो रहा, टायर में ब्रेक लगा रखे हैं साइकिल में और घसीटते हुए ले जा रहा हूं, तो ये है प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन जिसमें चीजें घूमती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती,
जैसे हमने साइकिल को स्टैंड पे खड़ा किया और पैडल मारने लगे, यदि आप साइकिल को स्टैंड पे रख के पैडल मारोगे तो टायर घूमेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, यहां वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है क्योंकि इसमें रोटेशन हो रहा है। अब आती है रोलिंग। रोलिंग का मतलब है ट्रांसलेशन और रोटेशन, यानी कि लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन एक साथ होना। तो बताओ बेटा इसमें क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, घूम नहीं रहा था, इसमें घूम रहा था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। अब मैं साइकिल पर बैठ गया, पैडल मारे और चल पड़ा एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, तो तुम ये बताओ टायर में कौन सा मोशन है? तो जवाब है टायर घूम भी रहा है यानी कि रोटेशन भी है, और टायर आगे भी बढ़ रहा है यानी लीनियर मोशन भी है। तो इसी को कहते हैं रोलिंग। रोलिंग का मतलब है उस समय कि टायर का घूमते हुए आगे बढ़ना। तो उस समय बेटा उसमें हर पॉइंट पर दो दो वेलोसिटी होती है, एक लीनियर मोशन के कारण वेलोसिटी और एक रोटेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी। मैं तुमसे पूछूं यहां क्या वेलोसिटी होगी, तो लीनियर वाली वेलोसिटी होगी v और रोटेशन वाली वेलोसिटी होगी v, दोनों v एक ही डायरेक्शन में है तो 2v वेलोसिटी होगी। यहां क्या वेलोसिटी होगी, लीनियर वाली वेलोसिटी होगी v, रोटेशनल वाली वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल लेकिन v। अब यदि बेटा ये भी v और ये भी v तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी v रूट 2, भाई ये भी v ये भी v तो ये कितनी हो गई v रूट 2। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, जो हिस्सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में है वहां क्या वेलोसिटी होगी, तो लीनियर मोशन वाली वेलोसिटी होगी आगे की तरफ v और रोटेशन वाली वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ v। यदि ये दोनों वेलोसिटी बिल्कुल बराबर है तो उसी को कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में बेटा लीनियर मोशन की वाली वेलोसिटी और रोटेशनल मोशन वाली वेलोसिटी दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है और कट जाती है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। यही प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग में लोएस्ट पॉइंट रेस्ट पर है, यही रोलिंग है। अच्छा क्योंकि लोएस्ट पॉइंट रेस्ट पर है और फ्रिक्शन लोएस्ट पॉइंट पे ही लगेगा, बेटा फ्रिक्शन तो वहां लगेगा जहां दो चीजें संपर्क में आएंगी, तो संपर्क में ये टायर जमीन के कॉन्टेक्ट में तो तभी वहीं पर आएगा जहां वो छू रहा है लोएस्ट पॉइंट पर, जहां छू रहा है वहां फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन एक उस पॉइंट पे लगेगा जिसकी वेलोसिटी जीरो है। तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रेस्ट पर है। तभी बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन मैंने पढ़ाया था स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक वेरिएबल है, अपने आप को बदल सकता है। तो यदि स्टैटिक फ्रिक्शन बदल सकता है तो ये फ्रिक्शन अपने आप को बदल सकता है, ये स्टेशनरी पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट का। वीडियो बेटा दो तीन बार देखना यदि कंसेप्ट सीखना है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूं। ट्रांसलेशन में आगे बढ़ते हैं घूमती नहीं, इस मोशन में फॉर्मूला लगाया जाता है F इज इक्वल टू ma। रोटेशन में घूमती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, यहां टॉर्क निकाला जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और यहां पर दोनों मोशन होते हैं तो इसलिए दोनों फॉर्मूले लगते हैं, टॉर्क का भी और फोर्स का भी दोनों फॉर्मूले लगते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसके अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, जिसके ऊपर कोई बॉडी रख दी और उसे छोड़ दिया नीचे आने के लिए, ये रोल करती हुई नीचे आने लगी। यदि ये रोल करती हुई नीचे आने लगी तो मेरे बेटा इस पे लीनियर मोशन भी हो रहा है और साथ में घूमने के कारण रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, तो ये तो रोलिंग का केस है। रोलिंग के केस में टॉर्क और फोर्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अब सारे फोर्स बनाओ, mg sin थीटा पहले की थ्योरी आप जानते हो तो यहां लगेगा और mg cos थीटा यहां लगेगा, इसमें कौन सा फोर्स कहां लगेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। मेरे बेटा m वेट जो है बॉडी के सेंटर पे लगता है तो वेट के कंपोनेंट भी बॉडी के सेंटर पर होंगे। अच्छा ये तो हो गए वेट के कंपोनेंट जो कि बॉडी के सेंटर पे है, इनकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है और जैसे कि मैंने बताया था यदि सेंटर पर ही कोई फोर्स लगे तो वो घुमा नहीं सकता, टॉर्क नहीं बनाता, तो ये दोनों फोर्स टॉर्क नहीं बनाएंगे। अच्छा mg cos थीटा जब दीवार को दबाएगा तो एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगी, जिस पॉइंट से एक्शन आती है वहीं से रिएक्शन जाती है, तो रिएक्शन भी सेंटर से जाएगी तो रिएक्शन भी टॉर्क नहीं बनाएगी क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है और टॉर्क खुद फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मेरे बेटा यहां पर फ्रिक्शन लगेगा, वो फ्रिक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे लगता है और मोशन के अपोजिट, तो मोशन नीचे हो रहा है तो ये ऊपर लगेगा। सारे फोर्स समझ लिए। अब मैं
तो मैं बताता हूं कि यहां कौन सी इक्वेशन बनेगी और कैसे बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी फोर्स से, तुम जानते हो टॉर्क से बना देता हूं, तुम जानते हो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक बात बताओ कौन सा फोर्स इसे घुमा रहा है, mg sin थीटा और mg cos थीटा और रिएक्शन, ये तीनों सेंटर पे लगने वाले फोर्स हैं, ये नहीं घुमा सकते, लेकिन फ्रिक्शन तो घुमा सकता है, तो इसे घुमाने वाला फोर्स है फ्रिक्शन। उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो जवाब है रेडियस के बराबर। मैंने रेडियस को स्मॉल r लिया है और रिएक्शन को कैपिटल r। आ गया टॉर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू r, लेकिन टॉर्क होता है बेटा आई अल्फा, जहां आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आई अल्फा इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू r, लेकिन बेटा अल्फा होता है a / r, भैया जब a इज इक्वल टू r अल्फा तो अल्फा क्या होगा बेटा a / r इज इक्वल टू फ्रिक्शन इनटू r, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा फ्रिक्शन का फॉर्मूला तैयार हो गया, लेकिन अभी ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है। क्या इस फॉर्मूले को लगा के मैं फ्रिक्शन निकाल सकता हूं, बेटा मुझे अभी एक्सेलरेशन तक तो पता नहीं, तो फ्रिक्शन कैसे निकालूंगा मैं, तो क्या चला आपने टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, घुमाने वाला फोर्स है फ्रिक्शन और उसकी सेंटर से डिस्टेंस है आर, टॉर्क को रख दिया आई अल्फा, अल्फा को रख दिया ए अपॉन आर, तो फ्रिक्शन आ गया। टॉर्क का काम खत्म, क्योंकि रोटेशन हो रहा था तो मैंने टॉर्क का फायदा उठा लिया। अब आइए लीनियर मोशन पे, r पर mg cos थीटा मेरे बेटा इक्वल एंड अपोजिट है तो कट गए, लेकिन mg sin थीटा और फ्रिक्शन थोड़ी इक्वल एंड अपोजिट है, ये तो नीचे आ रहा है यानी mg sin थीटा बड़ा है। अब यदि mg sin थीटा फ्रिक्शन से बड़ा है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, और ये होता है ma, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब मैं फ्रिक्शन को रख दूंगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा mg sin थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ma, तो बेटा mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो जवाब है ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर, तो a कॉमन ले लो, तो mg sin थीटा बन जाएगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू a, और आखिरी स्टेप एक्सेलरेशन आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा, ये एक्सेलरेशन है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए जिससे कि ज्यादा टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाए कम समय में, आप दो बार देखो तीन बार देखो। अब ऊपर और नीचे मास से डिवाइड कर दो, इसे भी मास से डिवाइड कर दिया, इसे भी मास से डिवाइड कर दिया और इसे भी मास से डिवाइड कर दिया, तो मेरे बेटा ये फॉर्मूला आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही वैल्यू से डिवाइड करें तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर है। अब पुट इन फर्स्ट, यानी कि फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन था आई ए अपॉन आर स्क्वायर, उसमें एक ही वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। ये काम आप खुद कर लेना बेटा, आप इतना मेंटल लेवल बढ़ा चुका हूं, सिर्फ आपको ए यहां रख के फ्रिक्शन निकाल लेना है, तो फ्रिक्शन भी निकल जाएगा, वो आपका दूसरा आंसर होगा। मैं असल में मेथड सिखा रहा हूं आप लोगों को, अब मैं अगला एग्जांपल और सिखाता हूं। मेरे बेटा अगला एग्जांपल और देखो, इसके अंदर क्या है, एक मेरे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर रेडियस है r, वेट है उसका mg, मैंने इसके ऊपर एक डोरी लपेट दी, लपेट दी लपेट दी लपेट दी, जैसे रील होती है ना, रील की तरह से डोरी लपेट दी और उस डोरी को ऊपर लटका दिया, छत से बांध दिया, ये पकड़ रखा है, बांध रखा है ऊपर। अब एक बात बताओ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डोरी लपेट दी है, तो जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो ये घूमता हुआ नीचे की तरफ को भागेगा। भाई आप ये बताओ, यदि किसी इस पैन के ऊपर मैं खूब सारी डोरी लपेट दू, स्ट्रिंग लपेट दू और उसे यूं पकड़ लू, जब मैं पैन को छोड़ूंगा तो पैन घूमता हुआ नीचे की तरफ को जाएगा, तो यहां क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है तो लीनियर मोशन हो रहा है और घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, और मेरे बेटा लीनियर मोशन होता है तो फोर्स से निकालते हैं, रोटेशनल मोशन होता है तो टॉर्क से निकालते हैं, तो यहां डोरी में होगी टेंशन। मैं समझ गया कि यहां दो इक्वेशन बनेंगी, एक टॉर्क वाली और एक फोर्स वाली। अब एक बात बताओ, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन कौन सा फोर्स इसे घुमाएगा, तो जवाब है mg नहीं घुमा सकता, क्योंकि mg की सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से जीरो डिस्टेंस है और जो फोर्स सेंटर पर ही लगते हैं वो घुमा नहीं पाते,
वो टॉर्क नहीं बनाते, लेकिन जो फोर्स सर्कमफ्रेंस पे लगते हैं वो तो घुमाते हैं। तो घुमाने वाला फोर्स मेरा टेंशन है जो इसे घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोर्स की जगह रख दिया टेंशन। और सेंटर से उसकी डिस्टेंस है रेडियस, तो टी इंटू आर आ गया टॉर्क का फॉर्मूला, टी है टेंशन, आर है रेडियस। लेकिन टॉर्क होता है बेटा आई अल्फा, तो आई अल्फा इज इक्वल टू टी इंटू आर, और अल्फा होता है बेटा ए अपॉन आर, तो जैसे पिछली बार किया था अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो इज इक्वल टू टी इंटू आर। तो टी कितना हो गया बेटा, टी हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान रख पहले फ्रिक्शन आया था आई ए अपॉन आर स्क्वायर, अब टेंशन आई है आई ए अपॉन आर स्क्वायर, टेंशन आ गया। अब बेटा नॉर्मल हमारा रोटेशनल मोशन से जो फायदा उठा सकते थे टॉर्क वाला वो तो उठा लिया, अब लीनियर मोशन हमेशा दो इक्वेशन बनाना है ऐसे में, एक टॉर्क से और एक नेट फोर्स से। अब इसे नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है, तो भैया नीचे लाने वाला फोर्स तो इस बॉडी पे mg है, और रोकने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन है। तो नीचे लाने वाला mg, कई बच्चे कहते हैं वो तो उधर लग रहा है, एक बात बता, लग तो इसी बॉडी पे रहा है, इसी बॉडी को नीचे mg खींच रहा है और इसी बॉडी को टेंशन ऊपर खींच रहा है, तो नेट फोर्स होगा mg minus t is equal to ma। क्या होगा नेट फोर्स, mg minus t is equal to ma। अब t पुट कर दो यहां पर, तो ये बनेगा mg minus I a upon r square is equal to ma। तो mg is equal to हो जाएगा m plus I upon r square into a। मैं बेटा ये I upon r square को राइट ले गया और कॉमन ले लिया, तो इससे a का फॉर्मूला बनेगा mg upon m plus I upon r square। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो काम पहले किया था मास से डिवाइड, तो इसे भी मास से डिवाइड कर दिया, इसको भी मास से डिवाइड कर दिया, इसको भी मास से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन होगा g sin theta upon 1 plus I upon mr square। अब इसके बाद जैसे यहां पर हमने किया था सेकंड इक्वेशन पे, जैसे हमने वहां पर किया था a निकालने के बाद फ्रिक्शन में पुट कर दिया था, यहां a को निकाल के टेंशन में पुट कर देंगे। तो बेटा टेंशन का फॉर्मूला है, मैं इसमें पुट कर रहा हूं पुट इन टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला है आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू क्या है g अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया। अब इसे याद रखने में आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप देखिएगा गौर से सुनिएगा, इसे आप सबसे पहले आर स्क्वायर को अंदर लाओ, तो आई जी अपॉन आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन एम, ध्यान से देखते रहो आई अपॉन एम, मैंने आर स्क्वायर को वन में मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई किया, अब क्या करो i से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, तो i से इसी में चल रहा हूं, i से इसमें डिवाइड करा, i से इसमें डिवाइड किया और i से इसमें डिवाइड किया, दोबारा देख लेना इसे। आखिरी काम क्या करो, तो मास से मल्टीप्लाई करो, तो मास से ऊपर मल्टीप्लाई करा, मास से इसमें मल्टीप्लाई करा और मास से इसमें मल्टीप्लाई करा, तो टेंशन का ये फॉर्मूला आ गया। यही काम फ्रिक्शन में करना, तो कई बच्चे कहते हैं कि ये फॉर्मूले में करके फायदा क्या मिला, मेरे बेटा जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो mr स्क्वायर कटेगा, जैसे यदि ये सॉलिड सिलेंडर सॉलिड स्फीयर है तो i होगा 2/5 mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर कट जाएगा। मैं हमेशा i के साथ mr स्क्वायर रखना पसंद करता हूं, जिससे i की वैल्यू रखते ही mr स्क्वायर कट जाए। तो खैर आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखते हुए आओ, आप समझ जाओगे ये हमारा टेंशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो मेरे बेटा आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे रोलिंग मोशन को स्टडी करते हैं, रोलिंग मोशन क्या है और किस तरह से वहां इक्वेशन बनाई जाती है। तो फिलहाल यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको अगली वीडियो तुरंत मिलती रहे। डेली एक से ज्यादा वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, कल तो मैं कई कभी कभी तो मैं 7 से 8 वीडियो एक दिन में अपलोड कर देता हूँ। तो फिलहाल कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू, पढ़ाकू किस लिए, एंड तक देखा इसलिए।